न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के स्थगित चुनाव के मतदान तिथि को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म, लेकिन चुनाव पड़ा अब कानूनी पचड़े में। चुनाव की तिथि अब 4 अक्टूबर को या उसके बाद ही घोषित होने की संभावना। पूरे चुनावी घटनाक्रम पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की विस्तृत रिपोर्ट। गुरुवार को रेलवे स्टेशन परिसर में बम की अफवाह पर स्टेशन परिसर में मचा हड़कंप। सघन जांच के बाद भी नहीं मिला विस्फोटक पदार्थ, झूठी सूचना देने वाले की तलाश है जारी। एटीएम बदलकर दूसरे के अकाउंट से रुपये निकालने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 11 एटीएम कार्ड से 2,30,000 रुपये किया बरामद। एसपी सिटी ने कहा, भोले भाले लोगों को देते थे झांसा। नोडल अधिकारियों ने नगर निगम के सभी विभागों को कराया बंद। निगम परिसर में जमकर किया प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार कर बैठे धरने पर। सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक, रेलवे के अधिकारी हुए सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के आयोजित हुई बैठक, सदस्यता अभियान को और तेज करने पर हुई चर्चा। 6वीं अंतर जनपदीय पुरुष और महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ समापन। गोरखपुर की टीम रही ऑल ओवर चैंपियन। एडीजी ने किया पुरस्कृत, कहा मेहनत और लगन से मिलती है जीत। पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के सदस्यों को सम्मानित कर दिलाया गया शपथ। अध्यक्ष ने कहा, कर्मचारियों के हित में करेंगे कार्य। 4 सूत्रीय मांग को लेकर ग्रामीण चौकीदार संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। और स्वर्गीय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का 15 सितंबर को होगा शुभारंभ। आयोजन अध्यक्ष ने दी जानकारी।